माई चैनल केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो आपका चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक है और आपकी जो क्लास 9th की बुक है उसका भी लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हमारा जो क्लास 9th का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्लास 10th का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस करने हैं नॉन मेटल्स के, हमारे पास ना नॉन मेटल्स जो है वो क्या होते हैं। अब हमने ना मेटल्स के बारे में पढ़ा था, मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, वो वाले एलिमेंट्स जिनमें हम पॉजिटिव आयंस आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो बिल्कुल उनके ऑपोजिट होंगे। तो नॉन मेटल्स हमारे पास क्या होंगे, वो वाले एलिमेंट्स जिनमें हम नेगेटिव आयंस जो है वो आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा ना कि नेगेटिव आयंस जो है वो कैसे बनते हैं, जब आपके पास हम इलेक्ट्रॉन्स को एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। और मेटल्स कैसे बनते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज हो सके, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की हमारे पास क्या डेफिनेशन है, द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के मुकाबले में क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ना वो ब्रिटल नहीं होते, ठीक है, उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो क्या हैं, ब्रिटल हैं। हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, लेकिन हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या हैं, बैड कंडक्टर्स। उसी तरह हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनका जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा शाइनी होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का सरफेस जो है वो शाइनी नहीं होता। उसी तरह हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड। उनकी डेंसिटी हाई होती है इसीलिए वो हार्ड होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या हैं, सॉफ्ट होते हैं बहुत ज्यादा। उसी तरह हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनके उनके सरफेस की वजह से उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है ना, तो वो हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं, ठीक है, और उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, बिल्कुल ही उनका ऑपोजिट फिजिकल उनकी प्रॉपर्टीज है एज कंपेयर टू मेटल्स। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं उनकी, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि वो इलेक्ट्रॉन्स को आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो उनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकेंड इनकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम नॉन मेटल्स का रिएक्शन करवाएं मेटल्स के साथ तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या होगा, जो मेटल्स हैं वो क्या बनाएंगे, पॉजिटिव आयंस, और नॉन मेटल्स क्या बनाएंगे, नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो हमारे पास दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनका जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और जो कंपाउंड्स होंगे जिनमें ये बॉन्ड बन रहा है उन्हें हम क्या कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसीलिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो नॉन मेटल्स हैं अगर हम उनको मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। उसी तरह थर्ड पॉइंट आपके पास है, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद नॉन मेटल्स। अगर हम नॉन मेटल का रिएक्शन किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ करा दें तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस होता है या कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, वो दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी दोनों एटम्स के बीच में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। कंडीशंस हैं जिसमें जाके फिर वो रिएक्ट करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देते, और डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं देते ये, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई। नेक्स्ट हमारे पास ना नॉन मेटल्स के अंदर एक क्लास है हमारे पास कंपाउंड्स की, जिन्हें हम कहते हैं हेलोजेंस, तो हमने उसे डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो हेलोजेंस हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं, ठीक है।
हेलोजेंस जो वर्ड है ना उसका मीनिंग होता है सॉल्ट फॉर्मर्स। जो हमारे पास हेलोजेंस होते हैं ना वो बेसिकली क्या होते हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स। ये क्या बनाते हैं, जब भी इनका रिएक्शन हम किसी भी कंपाउंड के साथ कराएं तो हमारे पास ना सॉल्ट लाजमी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हेलोजेंस को क्या कहते हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स कहते हैं। तो हमारे पास इनमें जो एलिमेंट्स आ जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ठीक है। तो हमारे पास इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या बनती है, NH2NP5 बनती है, ठीक है। तो हमारे पास जो हेलोजेंस होते हैं ना वो बेसिकली उनके आउटर मोस्ट शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए हेलोजेंस के बारे में कहा जाता है कि ये ना नियरेस्ट नॉबल गैस कन्फिग्रेशन रखते हैं, यानी कि इनके अंदर ना नॉबल गैस कन्फिग्रेशन नियरेस्ट होती है, यानी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके आउटर मोस्ट शेल में। उसके बाद इनकी जो कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाएगी, नॉबल गैस के मुकाबले की हो जाएगी, यानी नॉबल गैस में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता होगा। तो हेलोजेंस जो है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी उनके पास जो है वो क्या है, उनके पास कमी है 1 इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से अगर 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया उनके शेल में तो वो नॉबल गैस कन्फिग्रेशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हेलोजेंस हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें क्या होती है नियरेस्ट नॉबल गैस कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो हमारे पास ये हेलोजेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो हमारे पास जो हेलोजेंस है ना वो इम्पोर्टेंट क्लास है नॉन मेटल्स की, ठीक है। ये बहुत अच्छे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, यानी ये प्योर नॉन मेटल्स हैं, इनको हम ये कह सकते हैं, तो इसीलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास ना ये फर्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इनके रिएक्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले इनके ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस हैं या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं। तो हमारे पास जो हेलोजेंस होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, बेसिकली जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा दे और उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऐड करवा ले, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। यानी कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई हेलोजिन होगा तो वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो उस कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के अपने अंदर ऐड करवा लेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, यानी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं कि ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने अंदर ऐड करवा लेते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो अगर हम इसमें फ्लोरीन का रिएक्शन देखें KCl के साथ, ठीक है, आपकी बुक में ना हर हेलोजिन का अलग अलग रिएक्शन जो है वो KCl के साथ ही डिस्कस हुआ है। KI के साथ भी एक रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन उनका जो मैकेनिज्म है ना वो सेम है, तो मैंने इसलिए इधर एक ही रिएक्शन जो है वो लिखा है। तो हमारे पास फ्लोरीन का अगर हम रिएक्शन देखें KCl के साथ, तो हमारे पास इधर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे पास इधर जो क्लोरीन गैस है वो रिमूव हो रही है और साथ हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है 2KF प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, पोटाशियम फ्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इधर हमने क्या किया, अब इधर हमारे पास जो फ्लोरीन है वो इधर क्या कर रही है, पोटाशियम में से क्लोरीन को रिमूव करवा रही है और खुद जाके पोटाशियम के साथ अटैच हो रही है, यानी उसने क्या किया, उसने पोटाशियम के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा दिया और हमारे पास जो क्लोरीन गैस है वो अलग हो गई और पोटाशियम जो था वो फ्लोरीन के साथ आके अटैच हो गया और हमारे पास एक न्यू कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो फ्लोरीन है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है, ठीक है। सेकंड हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जब भी हेलोजेंस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, 2HCl बनेगा। उसी तरह अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ देखें तो क्या बनेगा, 2HF बनेगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगा, ठीक है। उसी तरह पोटाशियम के साथ देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, KH बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह पोटाशियम के साथ ही हम देखें आयोडीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, ठीक है, सॉरी, तो हमारे पास जो है वो जो है HBr बनेगा या HI बनेगा, ठीक है।
तो यानी कि हमारे पास एसिड्स बनेंगे जिन्हें हम हाइड्रोजन हैलाइड्स का भी नाम देते हैं। तो हमारे पास जो हैलोजन्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ जब भी रिएक्शन देंगे तो वो हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाएंगे, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ जब भी हमारे पास जो हैलोजन्स हैं वो रिएक्शन देते हैं तो अलग अलग देते हैं, जैसे कि फ्लोरीन अगर वाटर के साथ रिएक्शन देगा तो वो कोल्ड स्टेट रिएक्शन होगा, ठीक है, और ये रिएक्शन जो है वो डार्क में होगा। यानी कि हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसमें फ्लोरीन के साथ कंडीशंस हैं कि एक तो हीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो कोल्ड होना चाहिए, कोल्ड स्टेट होनी चाहिए, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं हो सकता, डार्क रिएक्शन होगा, ठीक है, तभी फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन देगा। उसी तरह जो क्लोरीन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो है वो रिएक्शन देता है वाटर के साथ, ब्रोमीन जो है वो हीट की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन देता है, और आयोडीन जो है वो ये रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं इनके हैलोजन्स के। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाता है रिएक्शन विद मीथेन। ठीक है, हमारे पास जो हैलोजन्स होते हैं ना वो मीथेन के साथ रिएक्शन जो है वो अलग अलग स्टेट्स में देते हैं, जैसे फ्लोरीन हमारे पास रिएक्शन देगा डार्क स्टेट में, ठीक है, और फ्लोरीन का जो रिएक्शन है वो क्या होगा, वॉयलेंट रिएक्शन होगा। उसी तरह हमारे पास जो क्लोरीन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन देगा, ठीक है, और हमारे पास जो क्लोरीन है वो जब रिएक्शन देगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास CHCl3 बनेगा, CH2Cl2 बनेगा, ठीक है, CCl4 बनेगा और CH3Cl बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ना कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे जब क्लोरीन जो है वो रिएक्शन देगा, और ये वाला जो रिएक्शन है वो हमारे पास किसकी प्रेजेंस में होगा, डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास जो क्लोरीन का रिएक्शन होगा वो इस तरह होगा, CH4+2Cl2, तो हमारे पास कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होगी, साथ हमारे पास 4HCl बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ना डायरेक्ट सनलाइट का रिएक्शन है, ठीक है। और अगर हम डिफ्यूज्ड सनलाइट का रिएक्शन क्लोरीन का करें तो हमारे पास ना ये चार प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन विद मीथेन है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है फिफ्थ, वो हमारे पास है रिएक्शन विद NaOH, ठीक है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो हमारे पास जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है ना तो उसको हेलोजेंस का, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास ना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास जो हेलोजेंस हैं, बेसिकली ये वाला जो रिएक्शन है ना ये क्लोरीन का देखा गया है। क्लोरीन जो है ना वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ना कोल्ड स्टेट में भी रिएक्ट कर सकता है और हॉट स्टेट में भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ना ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक कंपाउंड जो है या हेलोजिन कह लें, हमारे पास ना कोल्ड स्टेट में भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, हॉट स्टेट में भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास अब इधर क्लोरीन का रिएक्शन अगर देखें
तो NaOH के साथ ना अगर क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करे, ठीक है, तो हमारे पास ना एक तो हमारे पास NaCl बनता है, ठीक है। अब ये हमारे पास ना कोल्ड स्टेट का रिएक्शन है, ठीक है। अगर क्लोरीन कोल्ड स्टेट में NaOH के साथ रिएक्ट करे तो NaCl प्रोड्यूस होता है, NaOCl बनता है, ठीक है। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है और साथ हमारे पास बनता है वाटर, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो NaOH है वो कोल्ड स्टेट में रिएक्ट करे, हॉट स्टेट में रिएक्ट करे क्लोरीन के साथ, ठीक है, तब हमारे पास जो है वो NaCl बनेगा, साथ हमारे पास NaClO3 प्रोड्यूस होगा, ये सोडियम क्लोरेट है, और हमारे पास जो है वो वाटर बनेगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास इस तरह ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन होगा कि हमारे पास ना अगर कोल्ड स्टेट का रिएक्शन देखें तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड तो दोनों साइड्स पे है ना, सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा है कोल्ड स्टेट के रिएक्शन में। लेकिन अगर हम हॉट स्टेट में क्लोरीन का रिएक्शन NaOH के साथ देखें तो सोडियम क्लोरेट हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना NaOH का रिएक्शन है कि अगर हमारे पास जो क्लोरीन है वो NaOH के साथ रिएक्ट करती है तो दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं और दोनों स्टेट्स के रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ना हेलोजेंस के हिसाब से ये पूरा आपका एक ब्रीफ टॉपिक था। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेटल्स की सिग्निफिकेंस। तो हमारे पास ना नॉन मेटल्स की जो सिग्निफिकेंस है वो आप सबको पता है कि यानी हमारी डेली लाइफ में हम इतनी सारी चीजें जो है वो यूज करते हैं जिसमें नॉन मेटल्स इन्वॉल्व है। जैसे कि हमारे पास जो हमारी बॉडी के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, तो ये सारे जो है वो किससे बने हुए हैं, नॉन मेटल से। सेकंड हमारे पास नाइट्रोजन को अगर हम देख लें, नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, बेसिक यानी कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए, इन्वायरमेंट को भी चाहिए। तो नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स में भी नाइट्रोजन जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल है। थर्ड हमारे पास जो है वो वुड और प्लास्टिक्स के बारे में आ जाते हैं कि वुड प्लास्टिक्स और हमारे पास जो स्टील है और भी हमारे पास जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास अगर हम देखें तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स इनमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो आप लोग सिग्निफिकेंस जो है वो खुद भी अगर रीड आउट करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।